तो आज मैं आया हूँ राजू चंपारण मीट हाउस में। अब आप बिहार के फेमस और स्वादिष्ट डिश चंपारण मटन का आनंद ले सकते हैं मुंबई में। आगे हम इसकी मेकिंग देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राहुल भैया है, अभी उनसे कुछ सवाल है उसके। अगर चालू का भी क्या है जनवरी की 31 दिसंबर के दिन चालू किया। और कुछ अलग और कहीं पे ब्रांचेस है इसके? हाँ, दिल्ली में है, दिल्ली पटना है। अभी हाल फिलहाल में अभी एक मुंबई में एक और खुलने वाला है। ये वाला अभी अंधेरी में है और अंधेरी अंधेरी स्टार और एक अभी बांद्रा में खुलेगा। बांद्रा का पता है कस्टमर को ऑर्डर करना रहेगा तो कहाँ से कर सकते? डेंजर से कर सकते, बॉर्डर से कर सकते हैं। पिकअप लोकेशन डालेंगे, यहाँ से पिकअप करके ले जाएगा लड़का डिलीवर बॉय। जा रहे भैया चिकन बना, चिकन बनाऊंगा मैं, मटन में बना लिया, चिकन बनाने जा रहा हूँ। तो चलो ये अपना चिकन का मसाला टोटल हुआ, चिकन का मसाला थोड़ा कम लगता है, मटन में ज़्यादा होती है। जल्दी
सूरज है और मैं यहीं पे अंधेरी में काम करता हूँ। जब जब हमें धूप लगती है दोपहर के टाइम में, तो हमारे जो पैर है राजीव चंपारण मीट हाउस के तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा और लजीज खाना यहाँ पे मिलता है। मटके में मीट और चिकन मटन हमें मटके में उबला हुआ तैयार किया हुआ वो मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का खाना है। और राजीव चंपारण मीट हाउस के वजह से हमारी जो दोपहर है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है। एक बार मैं दिल्ली भी गया था, तो वहाँ पे भी राजीव चंपारण मीट हाउस का हमने खाना खाया था। और यहाँ पे भी मुंबई में मेरी जो जॉब है, तो यहीं पे भी हमें राजीव चंपारण मीट हाउस की दुकान मिली है। बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है और अच्छे तरीके से गर्मा गर्म खाना यहाँ पे मिलता है। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप भी एक बार राजीव चंपारण मीट हाउस यहाँ पे आके अपनी भूख मिटाइए। Yeah, thank you.